अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सब सूखे बेहड़ रास्ते बबूल के कांटे, राह पथरीली घना अंधियारा, पर मंजिल लगे आसान, पांव तले पनपे छाले, सिर पे मौत का सेहरा बांधे, जेठ माह की गरम दोपहरी, सोनी आंखों में सावन मांगे, पल पल जोखिम जीवन इनका, तनहा तनहा मौसम जिनका, बादलों की चिलमनों से देख रहा आसमान, राह पथरीली घना अंधियारा, पर मंजिल लगे आसान, पाठा के बीहड़ों में जिंदगी जीने के रास्ते तलाशती है, पर जिंदगी जीने की चाह में कुछ लोग अपराध की राह पर चले जाते हैं। क्या पाठा के पथरीले रास्तों पर चल रही जिंदगी को सुखों की छाव नसीब होगी? ए काले। प्रणाम मालिक। पाय लागी। खुश रहे काले। पाय लागी। खुश रहे काले। हरिजनपुर की रामलाले की बहनिया को है नथिया है मालिक? वहां है ओ रही। मादर को तोर बहनिया ने छोड़े वाला काम नहीं करना है। तोरी बहनिया के किए किसी रात तो करूं मर मार कर चोर। जल्दी करो साला जल्दी करो। देख मादर चोर आज तेरा का हाल कर दे। मादर चोर कुछ नहीं तो क्या छोड़ दे है? That the one of the reasons women have been reticent to complain about their assaults is the fear that they will hardly get any sympathy or support from police and legal system. Main aapse puchna chahta hu ki as a criminologist, what is your aim and object? Sir, it can be an important link in improving the public safety of our country in view of criminal justice. By giving service. यही सोच इस कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट शेफाली की भी है। पाठक क्षेत्र के बढ़ते हुए क्राइम को लेकर शेफाली बहुत सीरियस है और इसीलिए
वो खुद उस क्षेत्र के एम्बियंस का फील लेने के लिए, वहां इंटरेक्ट करने के लिए उस परिवेश में खुद जा रही है। तुम्हारा चित्रकूट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? मामा, जब तक मैं वहां जाकर डाकू द्वारा सताए हुए लोगों से नहीं मिलूंगी, तब तक किताब के लिए मुझे सही मैटर नहीं मिलेगा ना मामा। वो एरिया ठीक नहीं है, बिहड़ के डाकुओं का इलाका है, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिलहाल मामा, आप अपने मन से ना ये ख्याल छोड़ ही दीजिए। माँ हूँ ना, चिंता तो लगी रहती है बच्चों की। मामा, लेकिन अभी मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ ना, आप खामखा परेशान हो रही हो। ठीक है। और कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा। आपको यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? डर किस बात का? ये बताइए, ये आपने डाकुओं का विषय क्यों चुना? हमारे देश में शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, जिसके कारण लोग डाकू बनते हैं, इसीलिए। काफी अच्छी सोच है आपकी। थैंक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बातें कर सकती हूँ, आई मीन टू से जो पीड़ित है? आप चाहें तो बात कर लें, पर कोई कुछ बताएगा नहीं। पर हाँ, शायद गौरैया जरूर कुछ बता दे, क्योंकि मेरे हिसाब से गौरैया से ज्यादा कोई पीड़ित भी नहीं है। राम राम भिकू चाचा। राम राम साहेब, आओ आओ बैठो, आओ बेटिया। थैंक यू। तुम भी बैठो। आज गांव में कैसन भटक पड़े? ये हमारी दोस्त शेफाली हैं, ये एक किताब लिख रही हैं भिकू चाचा, वाय खातिर या आप लोगों के पास कछु जानबे खातिर आई हैं। कहा जानबे को चाहत है? मालूम पड़ा है कि आप लोग डाकू द्वारा सताए हुए हैं। अब वाके बारे में कछु नहीं पूछो, वो हम नहीं बता सके। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई कुछ नहीं बताएगा। बीमार है? हमारी बिठिया गौरैया के पेट में दर्द उठ जाते है कबू कबू। अरे जे कछु जानबे को चाहत है। नाई बिटिया, वो कछु ना बता सके। वा तो सुखना के आत्मा कुड़ रही है। सुखना? गौरैया का पति, जिसे गौना होने से पहले ही पुलिस ने फर्जी ही, जो अपने यहाँ दस्यु संरक्षण अधिनियम है ना, धारा 216A लगाकर फर्जी जेल में डाल दिया। अरे अब का बताई बिटिया, कौने कौने जुलम ते हम गुजर रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो आपकी बिटिया से कुछ देर बात करना चाहते हैं। आज बिटिया की तबीयत ठीक ना है, आप फिर कबो आ जाई हो। चलिए फिर। अच्छा चाचा। अच्छा। राम राम। राम राम। लागत है शहर से आई रहो। जी हाँ। कोनो अखबार में लिखो का काम करती हो? मैं किताब लिख रही हूँ धनुआ के आपराधिक जीवन पर, उसी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ। अरे वाह, हरामी की पूरी जानकारी दे भाई बिटिया। आपने उसके गिरोह के खिलाफ बंदूक भी उठा ली थी? अत्याचारी के खिलाफ बंदूक तो उठाई जात है ना, एक दिन की बात रही बिटिया। धनुआ ने सतना के एक व्यापारी के मोड़े को अपहरण कर लियो, तो वो मोड़ा भाग कर हमारे घर आई गवा। चाची चाची, मुझे बचा लो चाची। ये हो तो बेटा? चाची मुझे बचा लो, धनुआ ने मुझे पकड़ लिया, मैं किसी तरह भाग खड़ा हुआ। चाची मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो चाची। तू फिकर ना ही कर मोड़ा, देखत है कौन तो को पकड़ के ले जाई। अरे का कर रही हो, धनुआ डाकू इधर ही आ जाई। आवत है तो आई। मार मारो मोड़ो, कितने गयो? बट बैठ के सारो मोड़ो लूट को। कितने मर गयो सारो,
ए अंगद, कहाँ छुप गए मादर चोद? हमको लागत है रामलली के घर में छुप गवा है। रामलली तेरी तो माँ की, कहाँ मर गई मादर चोद? काहे गाड़ी दे रहे हो? मोड़े को बाहर निकाल भैंचो, आग नहीं दिखा। कौन मोड़ा? जाको तूने घर में छुपाए रखो है। ज्यादा डकुआई ना दिखाओ, अब वो मोड़ा हमारी शरण में आई गवा, अब वो को तुम हाथ नहीं लगाई सकत। ए भैंचोद, ज्यादा बकचोदी और बहादुरी मत दिखा, निकाल मोड़ा को। हमारी लाश गिराई दियो, वो को ना दें। जब तक मोड़ो नहीं मिल जाए, जब भैंचोद को ले चो, जब रामलली मोड़े को दे जाए, तब जाको छोड़ जाए, नहीं तो मार के लाश फेंक दियो। चला चल भैंचोद, चल। अरे रुको, कहीं नहीं जा रहे हो? मादर चोद, अव्वा के बाद हमारे भाई की आंखें निकाल ली थी। ओ गॉड, इतना भयानक अत्याचार! आपके पति को उन्होंने छोड़ दिया था जंगल में, पेड़ से बांध दियो रहे, और पुलिस चुड़ाई के लाई रही। यानी बाद में पुलिस ने सुरक्षा वगैरह दी? अरे काय की सुरक्षा, एसपी साहब बोले तुम धनवा को पहचानती हो तो उसको पकड़वाई दियो। और एक दिन एसपी साहब हमारे घर ही बैठे थे और धनवा आ गयो। धनुआ को देखते ही एसपी साहब पैंट में ही मुंह दियो और मैं फोर्स के भाग खड़ो। अच्छा, पुलिस के ऊपर भी इतना डर खौफ था धनुआ का? औ का बिटिया, तब हमने जम के मोर्चा संभाला वहां से, तब डीएम साहब ने गवर्नर साहब से हमें इनाम दिलायो। और बताओ बिटिया, आपने जो कुछ भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। बहुत दिनन के बाद तोर स्वाद चखे को है, ससुरी तो है बहुत जोरदार। मालिक, मालिक। का? कोनो शहरी लवंडिया आ रही है, लागत तो हरी भरी है। ये तो भैंचोद कोनो पत्रकार लग रही है। पत्रकार? बैठिए, हरिया तो निकल। जी मालिक। मेरा नाम शेफाली है। पत्रकार हैं आप? नहीं, पत्रकार नहीं हूं, मैं एक किताब लिख रही हूं, उसी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूं। क्या जानना चाहते हो? सुना है कि आपको धनुआ का खास साथी कहा जाता है। जे बात, काय खातर जानना चाहते हो? कहा ना, एक किताब लिख रही हूं उसी के लिए। दुनिया तो हमारे बारे में जानत ही है, बोलो का जानना चाहते हो? गुरैया आपकी बंधुआ मजदूर थी। जानकारी तो आप पहले से रखते हो। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। उसका धनुआ ने शोषण किया और फिर आपने भी। शोषण कौनों को ना खुलत? धनुआ भाईजी को नाम रहो और हम उनके साथी जाए खातिर आपको मालूम पड़ गयो। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन, मेरा मतलब है इसका हल क्या होना चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर से ये डर और खौफ हमेशा के लिए निकल जाए। ए मैडम, हम ना कोनो नेता हैं, ना कोनो अफसर और ना कोनो समाज सेवी जो हल खातिर सोचते फिरे। लोगन को अपने अंदर से डर खौफ खुद ही निकालेगा पड़ी। वो तो तभी पॉसिबल है ना, जब लोगों को इस बात की गारंटी हो कि उनके साथ जुल्म और अत्याचार नहीं होंगे। हम इंसान है, कोनो राक्षस ना है। कबो कबो कारोबार चलावे के खातिर आदमी को सख्त बनने का पड़त है, और चित्रकूट, बांदा, करबी, महर कोई आदमी मजबूर है, कोनो पुलिस के कारण और कोनो डकुन के कारण। ठीक है काली पटेल जी, बस इतना ही जानना था आपसे, धन्यवाद। धन्यवाद। साफ कर दो सर। जी दंडा पटेल जी है। तुम कौन? जी शेफाली। क्या काम है? उनसे मिलना है। कहाँ से आई हो? चित्रकूट से।
बहुत टकाटक लग रही हो। शहर से आई है? हाँ, तभी। बैठो, जाओ बुलाओ साहब को। डाल दो सालों को 216A में। चल चल। नमस्कार। चल। नमस्कार मैडम। शेफाली। शेफाली, ओ काली पटेल ने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताया है। लिखती लिखती हो, पत्रकार हो? जी हाँ। बैठो। का सेवा करें हम आपकी? हरिजनपुर के दलित निर्दोष लड़कों, जिनमें से एक सुखना भी है, आखिर उन्हें किस कारण से आपने दस्यु संरक्षण में फर्जी फंसाकर जेल भेज दिया? देखो मैडम, हम पुलिस विभाग में छोटे से कर्मचारी हैं। हमें तो जो आदेश मिलता है हम वही करते हैं। ये जानते हुए भी कि उन निर्दोषों की जिंदगी हमेशा के लिए उन्हें अपराध की ओर मोड़ देगी? हम पूरी तरह मजबूर हैं मैडम। फिर भी आप एक इंसान की तरह तो सोच ही सकते हैं ना? अरे मैडम, हमें इंसान ही तो नहीं बनने दिया जाता है। अब देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट पर शासन का प्रेशर रहता है और आला अधिकारियों का अपने मातहत कर्मचारियों पर। अपने बीबी बच्चे पालने के लिए, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें अपनी नौकरी बचाने का डर लगा रहता है। अब इसमें क्या गलत है और क्या सही, हमें इसे क्या लेना देना? हरिजनपुर की गोरिया के विषय में आप क्या जानते हैं? कौन गोरिया? वही जिसका यौन शोषण हुआ। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर? इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। सच कड़वा होता है, शायद इसीलिए। आप पहले मैडम उन सफेद पोश नेताओं और आला अधिकारियों पर सर्च कीजिए, जिनके यौन शोषण के काले कारनामों पर सफेद चादर डाल दी जाती है। वो करे तो लीला और हम करे तो अपराध। खैर, ये भी सुनने में आया है कि आपका संपर्क धनुआ से भी है ना? सिर्फ जात बिरादरी का मामला है बस। जान तो हमें भी प्यारी थी मैडम, और रहा सवाल संपर्क का, बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ धनुआ के रिश्ते थे। थैंक यू इंस्पेक्टर फॉर योर कोऑपरेशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिक्की को पाप पेट में ले आई, अब भय तक छुपाए रखो, बताए भी ना। मालिक, देखो ले जे पकड़ पैसो। काहे को मालिक? होए वारो बच्चो, ओ गोरैया को कोनो तकलीफ ना होए के चाही। आप देवता हो मालिक, हमारे सिर शर्म से झुक गओ। पतो नहीं जामुड़ी के को पाप पेट में ले आई। चुप हो जाओ। जो बच्चो सरदार को हाय, ज्यादा चिल्लाए की जरूरत है का समझा? ओ मालिक। चलो रे। बच्चो सरदार को सुन रहे बहन चोद, अपने मायने से कनौड़िया की सलामती चाहे तो 15 लाख रुपये इनकी गिरोती भेज।
ना ही तो वहां की लाश मिली है। ले बहन चो बात करवा से, ले बात कर माता चौथ, जोर से बात कर साले, पैसों मंगा। पाइला की सरदार खुश रहे, काली खुश रहे। जा मैं चौथ है 10 लाख। चिलवा पकड़ जा बैग। हाँ काली, का खबर है कारोबार की? खबर तो सब है ठीक है मलिक, पे वो पे का बे क्षेत्र को सत्ताधारी पार्टी को विधायक चौथ मांग जो है। कौनों को झाड़े फूटी कौड़ी भी दे की जरूरत नहीं। चेतर कोर्ट में राज धनवा का चलत है, कौन सरकार का नहीं। हो मालिक, मोड़ी गोरिया की का खबर है? जल्दी वाके बच्चो हो बारो है, वाके बाप को कछु पैसो दे दियो है। ठीक कियो है, जब तक वाके बच्चो ना हो जाए तब तक वहाँ से कछु काम नहीं ले काली। नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे, घर में ही हवा। अंगद जी, जा बहन जो मनोज कनौड़िया की गांड पे लगा, मादर चोद फोन पे बात ना कर रो, नाटक दिखा रो है। अच्छा अब चलत है मालिक। हाँ चल निकल। सरकार लगत है कनौड़िया के घर से फोन आयो है। हाँ बोल सरदार। 12 लाख में मान जाओ। का 12 लाख रुपया है? बहन चो तूने सीमेंट कंपनी में रह के बड़ो माल कमाओ है, पूरे 15 लाख रुपए दई जा और लई जा अपने मैनेजर को। और सरदार, अरे घबरा ना आए, अछू ना हो, तू आ जा। महसूस करोगी, डरो नहीं, खा लो। तुम्हारे माँ बाप काम पर गए हैं? सूरज ढले के बाद ही आएंगे। कितने महीने के पेट से हो? पूरा हो चुका है, ताई खाते दर्द उठ रहे हैं आजकल। ये बताओ आखिर तुम्हारे साथ कैसा जुल्म, कैसा अत्याचार हुआ है? डर निकाल दो गोरैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा बतावे बहन जी, तुम धनुआ के बारे में जो जो जानती हो, तुम पर जो जो बीती है वो बताओ मुझे। जाने तो हम बहुत कछु है, जितो हमें लागत है हम बता सके थे,
ठीक है, भाई बता पाई है। ठीक है, मैं कौनों को मालूम पड़ेगी चाहे ना। मैं वादा करती हूँ, बचपन में हुई शादी से अब तक की सारी कहानी बताओ मुझे गोरैया। मैं गरीब अभागी को ब्याह बचपन में भाई। हे इष्ट देव, पाठा के भेड़ माँ, आप हमारी रक्षा करना। अबे आपको ही सहारो है। हे नाथ, आपके सिवाय कौन हमारो है? ये तो आपका ही आशीर्वाद है। अबे ते कौनो सरकारी तंत्र में ताकत ना आए रही कि धनवा का बाल भी बाका कर सके। ए भिखो, ठेकेदार साहब ने खबर भेजो है। तबीयत ठीक ना है हरिया, काम पर कैसन जाए? तो पे कर्जो बहुत चढ़ गया हो भिखो, तुमको मालूम है कि नहीं? आओ भाई, क्या करूं, अब काम के खातिर जिसम साथ ना दे। अब तू काम नहीं कर सका तो कर्जा उतारे के खातिर अपने मोड़ी को जंगल में भेज। हम मजदूरी कर कर्जो उतारन को तैयार हैं। ठीक है, कल से जंगल आ जा। ठीक है, तो के जंगल में काम पे जाने की जरूरत ना है। कर्ज तो उतारने को पड़ी ही, काम पे नहीं जाएंगे तो रोटी नून को जुगाड़ कहां से हुई? वही जानो ही पड़ी। जंगल में मजूरी कही के पैसों तैयार कर ले सुखना, उतरत बैसाख मा तोर गौनो करन चाहत है तोर ससुराल वाले। ले तोर ससुर भी आए रहो, लागत है गौनों की बात करे आए रहा हो। जाए तो रहे हैं ना जैसे जंगल में काम करें। राम 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 किशन भैया। राम राम।
तोरे बारे में ही बात करत रहे ना अभी हम लोग भी को भैया। अबे का बोलू, कछु समझ में ना आए रहो। का होई गो, आज तोर चेहरो कछु उदास लागे है। ठेकेदार को कर्जो ना उतर रहो। जे गुड़ खाए के पानी पियो बापा। गहने की तारीख कछु आगे बढ़ी जाए तो। तारीख आगे ना बढ़ाओ, हम जा रहे ना आज से जंगल में काम करे, पैसों का इंतजाम हो जाए। पैसों का ना, मौके भी तो इंतजाम करे को मौको चाहिए। ठीक हो, जैसन तू चाहे भिकु भैया। ठीक पिकना है, तारीख आगे ना बढ़ी है। मोड़ी कर्जो उतारे खातिर जंगल में काम करे जा रही, रोको मानी ना। का भाव होय आए? हो होय आए। अब सुखना तारीख आगे बढ़ाए को ना ही चाहत तो कहा किन जाए। अब जो नसीब मा बदो होय वो आए हुई है। अब ससुर आपन नसीब तो ठेकेदार के हाथ में है। हाथ नहीं चलते तेरे, चल जल्दी जल्दी काम कर। चल। नाम? कस्तूरी। कस्तूरी। नाम? राधा। राधा। नाम? गंगा। राम राम मालिक। बेखोगे मोड़े है तू? हाँ। बहुत खूबसूरत मोड़ी है तू। काम भी उतो ही खूबसूरती से करना पड़ी। हाँ मालिक। नाम? गोरैया। बाप को नाम? भिखू। गांव? हरिजनपुर। जा लिखो तोर नाम, जा। ए हरिया। हाँ मालिक। जा मोड़ी को मेरियनसन काम पे लगा। आए मालिक। चलो आओ। जा वो तो मैरियन संगे जाके तेंदु पत्तो को बिन बिन के तह लगा। कह रे भैंचोद कितो देखा था है? काम कर, नहीं तो गाड़ पे ऐसी लात पड़ी कि घूम जाए, समझे? चल ले काम कर। जिंदगी सारी झंड हो गई। थक गया। ये बता तोर गौनो कब हो जा रहो है? लागत नसीब अपने खोटो है। भैंचो ठेकेदार को कर्जो ससुर पर चढ़ गयो और वह तारीख आगे बढ़ाव के चाहते। तो जानत है सुखना के ठेकेदार अय्याश किस्म को आदमी है। तू का कहब चाहता हो हम समझ रहे हैं, पर ससुरी गोरैया ना मानी। अब बाप कर्जो उतारे खातिर जा पहुंची जंगल में काम करे। अबे मौको हो सुखना, गोरैया को समझा और गौने की तैयारी कर, नहीं तो बाकी के सारी जवानी जंगल में काट जाई। चलो राम राम बापा। राम राम। इतनी बखत आए रहा सुखना, कौनो कारण? कोनो कारण ना बापा, गोरैया से कछु जरूरी बात करना चाहते हैं। पर अबे तोर गवना नाय भयो है सुखना, अबे अपनी दुल्हन से तो नाय मिल सकत। अब पुराना जमाने की बात जाय देव अम्मा, हम गवना खातिर तो गोरैया से बात करना चाहते हैं। का बात है? हमसे नाय कर सकत का? अरे ये बात नाय बापा, गोरैया के कछु समझावे का है। बात तो तू जंगल में भी कर सकत है। अरे जंगल में कोनो के बोलती भी ना निकलत तो बात करके मौको कहां से मिली। ठीक है जा बात कर। गोरैया अंदर जा, रोटी हम बनाए रहें। Thank you.
जंगल में तो उसे मिले के चाह तो भैंचोद कभू हरामी हरिया नजर रखते है तो कभू ठेकेदार। तो से एक बात कहूं, तू काम छोड़ दे, तू ना जाना था उठे ठेकेदार के बारे में। तोर बात अपनी जगह ठीक है, पर पप्पा की कल जो भी तो उतारे को पड़ी, जब वाकई तबीयत ठीक हो जाए तो देखा जाए। तो को गाने के फिकर ना है का? हम तो खुद चाहते कि जल्दी से तुसे मिलन हो। तू तू का समझत है, रात में हमें नींद आवत है का? हमें भी तोर बात अबे खत्म ना है भाई का। फिर पैसों पहुंचाई दे ताकि हमारी रोबिन उडवारी छवि बरकरार रहे। कौन है अजय? बहनचोद रेलवे बंकी मोहनलाल, बहुत नकली टिकट बेचो है। अरे सारे हैं मादर चोद तेरे मादर चोर, बड़ो तूने मानिकपुर स्टेशन पे नकली टिकट छाप के पैसों कमाओ। सरदार 15 ट्रक भी है बैंक चोर के। जे बात चिलवा। हाँ सरदार। लगा बैंक चोर के बाप को फोन और मांगा पैसों। हाँ मोहनलाल के बाप बोल रहे हैं, तोर मोड़ा सरकार के कब्जे में है, बाकी सलामती चाहते हैं तो पैसा भिजवा दे। ला मोहित फोन। हाँ सरकार। 5 लाख रुपया दई के ले जा अपने मोड़े, ज्यादा चालाकी दिखावे की जरूरत नहीं, पुलिस कछु नहीं कर सकत। जाको बाप 4 लाख रुपये और मान दो, जबे तक भैंचो पैसों लेके नहीं आ जात जा रेलवे बाबू के हाथ पांव बांध के डर दू। काली भैया प्रणाम। प्रणाम, क्या हाल है ठेकेदार? आपकी मेहरबानी है मालिक, पिछले महीने की चौथ भी तूने नहीं पहुंचाई और जा महीनों भी लग गो, तू सरदार को गुस्सा नहीं जाना था? का करी काली भैया, आप तो PWD के इंजीनियर के जाना था, एको बार भुगतान ना किया उन्होंने। भैंचोद वाको तू हड़कत का है नहीं, ठेकेदारी कर रहे हो, कोनो झक थोड़ी मार रहे हो। आधे इंजीनियर के डंडा डार दें भैया, हम कछु नहीं जानत, तू सरदार से खुद ही फोन पे बात कर लियो। ठीक है काली भैया, ठीक है चलत है। ठीक है काली भैया, प्रणाम। रमी हरिया सब तने नजर रखा था, बहुत ही कुत्ता है साला। बहन चोर, काम में मन नहीं लगा? कारा हरिया का भाव? बहन चोर, काम के बखत तू गई बाजी कर रहे हो साला।
लेगा हराम खोर को। अरे ना ना चल हट बहुत चल भी है हट हट। अबे तो तोर गवनों भी ना भाओ हराम खोर। काली पटेल का जंगल में हराम खोरी पसंद आए करिया मर साले को। बस करो मालिक, रहम करो, रहम करो, बस कर, रहम करो मालिक। रहम करो मालिक। आज तेरी वजह से बच गो जो कुत्तो हरामखोर। और सुन, काम के बखत हम कोनो तांका झांकी या और कोनो हरकत पाएं तो समझ ले तोर खैर ना है। और तू भी तांका झांकी थोड़ी कम कर जा, अब काम कर। खुजली उजली गौने के बाद मिटाई लियो। चल बेंचो जा, तू भी काम कर। अरिया ने बहुत मारा है बप्पा, टांग में बहुत दर्द उठ रहा है। अब छुपा जा बचवा, जे हम गरीबन के जिंदगी में जुलम लिखो है तो आको भगवान बिना मिटा सकत। अब तू जा और हमरे गौने के बारे में सोच। भैंचोत, लुगाई बाजी के चक्कर में मार खागा हाव, फेक गौरैया को ध्यान ना मिट रहे है। पहले अपन बदन का ठीक कर, जवानी कहूं बीत न जाए। गौना सुखना के मार कुटम में सुनी के मोर तबियत आओ बिगड़े लगी। ठेकेदार और हरिया की आखन में सील ना है। घबराओ ना है, कल ही हम ठेकेदार से पैसे मांग के तो इलाज करवा। अरे बहन चल, पहरे कर्जो तो उतरे तब तो वह पैसे दे। तू ना ही जानत वहाँ के जंगल में काम करे करे आदमी की जिंदगी बीत जात, पूरा हुई जात और मर जात। वहाँ को कर्ज ना उतरे तो के पैसों लेने की जरूरत ना है। अरे हम मरत है तो मर जाए। काय दुखी नजर आ रही हुँ? सुखनो खातिर बोला काय नहीं हा? बप्पा की तबीयत जादू खराब है मालिक। दारू ज्यादा पी गो हो बहन चो? ना अब ही ना पिए थे। तो बोल मोसे का चाहत है? बाकी इलाज खातिर कछु कर्जो चाहिए मालिक। कर्जो? कर्जो लेते वक्त आदमी आगे पीछे ना सोचा, और तू कर्जो उतार नहीं पाएगी तो क्या मालूम कि तो कर्जो चढ़ो है तेरे बाप पे। अब और कर्जो चाहिए तो ले ले, पर बंधुआ बनने को पड़ी। क्या सोच रही है, बंधुआ बनने को तैयार है? ले जा अपनी महतारी को पैसों देके जल्दी जंगल में लौट। का समझी? वाह वाह को इलाज करवा ली जा। ए सुखना, सुखना हराम खोर, अबे तो टांग ठीक नहीं भाई का? हल्दी गरम कर बांध तो दी हती। तो अबे आराम नहीं मिले का? नहीं अभी थोड़ो आराम मिलो है। तो कल काम पे भेज, नहीं तो दूसर टांग भी टूटी। मादरचोद बहन चोट, डीएसपी डंडो डाल रहा है। भाई धनवा भाई से गांठ फटत है। सुना पत्रकार भी घेरे हैं और हम पे भी नजर रखने का आदेश है तेरे पास? अरे आदेश गए चूल्हा मां,
जब तक डंडो इस क्षेत्र को इंचार्ज है कोई तोहार कछु नहीं उखाड़ सका। और फिर तू तो धनवा भाई जी को खास है। चल आ जा, बहुत खूबसूरत मुड़ी को काम पे लगाए रखो है। पसंद है? खूबसूरत मोड़ी कब है किसे ना अच्छी लगे। बाप को कर्जो ना उतार पाए, वो आ गई बंधुआ बन के हमारे आतन में। हमारे हथेल में कम रखो है। सलाम साहब। आरिया कैसन है? बस आपके राज में जी रहे हैं। अरे राज हमार ना है, धनवा भाई जी को है। तय सालो सुखना चार पाई पे पड़ो है, पर हम हड़काएं कल से काम पे आ जाए। ठीक क्यों, तू जाकर मजदूरन को देख। हाँ मालिक। ले डंडा। डंडा तू एक काम कर, तू पहले सुखना को कोनो केस में बंद कर, फिर तोर काम आसान हुई। बंद करे की क्या जरूरत है, ऐसे निपटा दी जाए। आजकल सरकार बदल गई है का समझे। तू ठीक कहते है, मौको अच्छो है। सबसे आसान तरीको है 216A लगा के साले को जेल में बंद कर दें, साला वही सड़ी। पतो ना है बप्पा की तबीयत ठीक है कि ना है। कितो कर्जो चढ़ो है तोरे बाप के नाम का पतो, कितो लिखे है ठेकेदार। बड़ो हेर फेर करतवा हरामी, अब जे पतो ना है कि सुखना की चोट ठीक भयो कि ना है। वापे हमका तरस आई गयो रहे जब हरामी हरिया सुखना को पीट रहो रहे। तेर ब्याह होगा दुई बच्चन के महतारी भी हूं। हम आए मरद ने साहूकार का कर्ज उतारबे को खातिर ठेकेदार के हाथन बेंच बंधुआ बना दीस। बच्चन तेरी मरद के पास है? हाउ परिवाने दूजी मेहरिया बिठा लेनी हो, पतो नाय हमारे बच्चन पर का बीत रही होए। ए बुदिया लागत हरम हरी आई रहा इत्ती बखत काय जिसम नोचे के खातिर गरिया जान मारे गरिया जान मारे। ए बुदिया सो गए क्या बेंचोत? लाज बनी लेटी है साली। लगता है धनवा आ रहो है, जल्दी घूंगो डाल रे गोरैया। काय लागत तोरे नसीब पे कार्य बादर छात दिखो रहे, पर भगवान ऐसो ना करे। गोरैया पे कर्जो काफी चढ़ गया मालिक, और बुद्धिया भी आजकल बहुत नौटंकी करने लगी है। भाई लगे मकाली खुश रहे। हाँ काली का खबर है अबे? कछु ठेकेदारन की चौथ तो आ गई मालिक, पीडब्ल्यूडी वाले ठेकेदार के भी चौथ ना आई। काय कह रहे हो? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ना पे भुगतान ना किनो। बहन जो हम जानत हैं
गलती ठेकेदार की ना है, इंजीनियर हरामी है। अंगद जी, माधर चौध को फोन लगा। हेलो, कारे इंजीनियर बाबू, कबे तोर भुगतान ठेकेदार को पहुंची? हेलो, आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। माधर चौध, ये साले एयरटेल का मोहिपाल है, कौनो फालतू कंपनी को ना आई, जाको नेटवर्क टका टक रहे थे, आवाज साफ जात और आत है। धनवा की आवाज पहचानत नहीं का? वो बात कर भंजक। माफी चाहते हैं साहब, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। जब हवा निकल गई तो आवाज साफ रह दे रही, तबे तौर भुगतान ठेकेदार को पहुंची। बस साहब, आज ही कर देंगे। भैंचो जे सरकारी लोग इना गरियाई ना ही मानत। सरदार, थोड़ो कमर सीधो कर लियो। चल। पाए लगो भाई जी। खुश रहा डंडा, खुश रहा, चल बैठ। हरिया, ये ले लो। जा में बकरे की कलेजी और दारू है, निकलो रस। करे तू हमारी पसंद जानत है, कहा चल रहा अब? डीएसपी बड़ी मीटिंग कर रहा है, ऊपर के अधिकारियों ते नीचे तक डंडो कर रखो है, आप तो जानत है सरकार बदल गई है। 33 सालन मा कितनी सरकारें आई और गई, पे धनुआ का बार भी ना उखाड़ पाई। जे बहन जो सरकार का कर ली, तू फिक्र ना ही कर, हमारी जात बिरादरी वारन की परेशानी हमारी परेशानी। का भाव, के को नंबर है? डीएसपी को। बजने दे भैंचो को। धनवा जी, उठाए ना, बड़ी गड़बड़ हुई जाए। मादर चो, तोर हवा भी निकला था और वहां को गाली भी बकत है। जैन सर, इधर गश्त पे हूं। राइट सर, अभी हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं। कौनो खास मीटिंग कर रहा है क्या डीएसपी? 216 में अभी तक कौनो गिरफ्तारी ना भाई वही खातिर। 216 जो जे सारे गरीबन मजदूरन बेरोजगारन और नए मोड़न को गिरफ्तार कई के वापे 216 लगाई के भैंचो जे पुलिस खुदाई डाकुन की जमात कर रही, बाद में उनको भेड़न में ढूंढ फिरी। अच्छा भाई जी, अब हम चलते हैं। चल तो निकल। लो सरदार। और सुन, धनवा के होत कौन फिकर ना कर जी। काली हो, तोर बंदवा बुदिया को बुला, ससुर नसो चढ़ रहा है। बुदिया पुरान हो गए मालिक, एक नई मोड़ी गोरैया को बुलाए रहे। ए हरिया। हाँ मालिक। जा गोरैया को बुला के ले गया। हाँ। काली हो, तुम बहुत कुत्ती चीज है रे। अरे धनवा मालिक तोर ससुर लगे है, या तू घूंघट डाल के काम कर रही है? चल, नए बंधुवन के पैसे होता है मालिक के सामने। अरे चल। अरे चल। बहुत प्यारी मोड़ी है, महुआ के फूल जैसे। काली हो मालिक, जाने अड्डे पे पहुंचा। ए हरिया, जा मोड़ी को अड्डे पे छोड़ का। हो मालिक। जा, हम आवत है। का भाव, काहे मुंह लटका के बैठो? हमारे मुड़ी लागत है अपनाए बच्चे।
से गौरैया को कहाँ पे जाने से मना कर दे हो। वो तोर बात मान जाएगा? ऊंच नीच की बात समझाई हूँ, शायद मान ही जाए। तू काली का नहीं जानत, एक बार ओके जंगल में जो काम करे गवा, तू दूसरा जगह काम नहीं कर सकत। का की जाए, अब हम कछु नहीं कर सकत, कछु नहीं कर सकत। घर में घुस कर बाहर निकालो और डाल दो जीप में। चलो चल 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 मॉडर्न को पकड़ के ले जा रहे साहिब। अरे कछु पूछताछ करन के खातिर और कछु बात ना है। इतनी रात में साहिब? ऊपर के अधिकारियों को आदेश है तय खातिर, इनके अम्मा पापा से कह देन पूछताछ कह के छोड़ देन जाए। चल 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 चल। बड़ा शौक चढ़ा है तुझे गौने का। जैन सर। यस सर, धनवा गिरोह के हिमायती लड़कों को हिरासत में ले लिया है सर। दफा 216 ए लगाकर चालान काट दिया सर। जी सर, भिजवा रहा हूं सर। जैन सर, ले जाओ सालों को। जे तो बड़ो जुन कियो पुलिस ने सुखना पे। मोरो तो नसीबी फूट गयो। ठेकेदार साहब तो क्या बुलाई ना? अरे सोच कह रही है, चल। अरे कछु बात करन को चाहते हैं, चल। नंदा, तू भी वेंचो पक्को हरामी है, हैं? दस्यु संरक्षण का जुर्म में फांस दियो सुखना को। चल कोनो बात ना है, जो कियो ठीक कियो। का? गोरैया, अरे फिकर काय कर रहे हो? कोनो दिन फरोस दिन जाए वाको? चलो अभी काट रहे हो है, बाद में बात होई। अरे तू फिकर काय कर रही, हाँ? तो सुखनों की जमानत के बारे में कछु अच्छो ही सोच रहे हैं। अरे वाकई ठेकेदार हैं कछु, हमारे भी फर्ज है कि ना है? अब भाई कछु कर सकत है मालिक, हम सबई की जिंदगी अब भाई का हाथन में है। अब ज्यादा टेस हुए ना बाहर, चल मेरे साथ आ। चल हरिया। हाँ मालिक। तू जाके गोदाम में देख। हाँ चल आ जा। आजा, अरे आजा, घबरा काहे रही, हाँ? बैठ, अरे बैठ, बैठ, बैठ बेंचो। जब तक सुखनों की जमानत ना हो, तू खा पी और मौज कर, समझी?
सब हमारे सुखना को छिड़वाई दिए ना साहब। अरे तू फिकर काहे कर रही? हाँ कछु खाएगी? ले तो दारू पी ले। देख गोरैया तू बहुत ही खूबसूरत है, ये बात तो को मालूम ना है? ले दारू पी ले। नहीं साहब हम दारू नहीं पीन। पी भैंचोत, नाटक का दिखा रही है? देख गोरैया तू जवान है, खूबसूरत है, काहे इसका सत्यानाश करी? हाँ देख, जब तक सुखनों की जमानत ना हो तब तक तू यहीं पड़ी रहे और हमरे साथ मौज मस्ती कर, का समझी? फिकर ना कर। पायला की सरदार। खुसरा काली, पीडब्ल्यूडी वाले ठेकेदार की रकम अभी तक पहुंची कि नहीं? काली ठेकेदार को फोन आए रहे मालिक, शाम तक पहुंचाई जाए। अच्छा सुन, मोड़ी गोरैया को अभी बंधवा ना बना। हो मालिक, वहाँ पे हमको तरस आएगा और है तो जल्दी वहाँ को कर्जो भी माफ कर रहे। ठीक क्यों है, हम कौन और जात की बदवा ना ले सकत। हो मालिक, मालिक एक खबर पतो लगी है। काई खबर? हरिजनपुर गाँव में कोनो एनजीओ आए रहा गरीबन का उद्धार करबे के खातिर। ऐसे तो मजदूर टूटन को खतरो है मालिक। तू फिकर ना कर, तोरे कारोबार पे कौन असर पड़े वाला ना है। ये नई सरकार अबे कछु ना कछु गरीबन दलितन के खातिर वोट अथियाई की राजनीति तो करे ही ना, का समझे है? चल फोन काट, नई सरकार कछु ज्यादा ही परेशान कर रही है, देखत है। सरदार बहुत बुरी खबर है। का खबर? आपके दहिनों हाथ राधे पटेल ने ठोकिया से हाथ मिला लियो है, आओ वहां के गिरोह में शामिल हुई गवा। ससुर राधे बोल के गवा रहे कि कछु दिनन के खातिर हम चित्रकूट से बाहर जाई रहे, जाके शामिल हुई गव ठोकिया गिरोह मा। अंगद ये कौनो समय चक्र की उल्टी गिनती तो ना है? पतो ना है सुखना कबे तक जेल में बंद रही। पतो लगी ठेकेदार जमानत करवाए की सोच रहे है और कर्जो भी माफ कर रहे है? हमें तो लागत है जे बाकी कोनो चाल तो ना ही, काहे के वो तो धनुआ के साथी है, बाकी कोनो भरोसा है। अब अच्छो अच्छो सोच रामकिशन, भगवान करे हमारे सुगनो जेल से छूट आवे और हमारे गौरैया भी घरे लौट आवे। अब तुम परेशान ना होई, अपनी जात बिरादरी के लिए सरकार कुछ अच्छो ही करे है,
और रही सुखनो और गौरैया की बात, तो भगवान ने चाही दोनों अपने अपने घर लौटी है और अपना घर बसाई है। तुम चिंता ना करा राम किशन, राम लल्ली ठीक कही है, भगवान सब नीको करी है। ठीक कहा तो भिकु भैया, भगवान सब नीको करी है। सभी डकुओं की हिस्ट्री शीट लिखे के आदेश आई गवाह। जे मुख्यमंत्री तो पूरा का पूरा डंडा अंदर कर रही है। राधे पटेल की हिस्ट्री अलग, अबे तो वो ठोकिया गिरोह में शामिल होई गवाह। धनवा भाई से गद्दारी करके कौनो भरोसा ना है कि कल वो आपन गिरोह बना ले। दरोगा जी जो कुछ पूछे सही सही बताए दिए, कसम जी को रैया। आइए का हाल है डंडा? कैसे है? बस बढ़िया। हिस्ट्री शीट लिखे का फरमान जारी होगा डंडा भाई। अरे भाई चुप होएगा छुना है, हमें का नौकरी कर रहे हैं और निपटाई दे रहे हैं। बोतल और मुर्गा मंगा कहा डंडा भाई, पहले से इंतजाम कर रखो। आप आ रहे हो मालूम पड़ा, तय खातिर डंडा भाई। बेचारी गुरैया को दुख अब देखो ना जात, जाके जिंदगी अब तोर हाथ में है। फिकर ना कर गुरैया, तोर सुखना की जमानत के लिए हम कुछ अच्छा ही सोचो है। इधर आ गुरैया। अरे जा ना, दरोगा जी कछु पूछताछ करिए, चल। राम राम चाचा। राम राम बिटिया, अब तुम लोगन का जंगल की बंधुआई को छोड़ दी हो? हाउ चाचा। गौरिया का भी छोड़ दी गौ का? हाउ भाई, ठेकेदार पतो नहीं वा को कहां लेके गौ है। का ठेकेदार गौरिया को ले गौ है? ठेकेदार सुखना की जमानत की बात कर रहो राय। अरे वो बहुत ही नीच आदमी है, कौने बखत कहा करी कौनो नहीं जानत, न जाने कहां लेके गए है। वो को कहां भरोसा? चाचा भगवान पे भरोसा रखो। अरे हम कीड़ों मकड़ों की तो भगवान भी नहीं सुने। ये तो अच्छो भाव के सरदार ने कर्जो माफ कर दो। बस अब तो सुखनो छूट जावे। राम राम चाची। राम 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 लली। आओ बैठो ना, बैठो। भगवान के घर देर है अंधेर ना है, अब धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो जाए। गोरैया आई गई, भगवान को धन्यवाद दे। राम लली, सुनवे को मिलो है कि कल सरकारी लोग कपड़ों और अनाज दे आए रहो। सरकारी लोग तो ना ही, पे कौनू उ का कहते उ एनजीओ वाले कुछ लोग आए रहे शायद। अच्छो कितो अनाज दे है? जे तो ना पतो, पर इतो मालूम पड़ो है के साथ साथ गांव वारन को कछु काम धंधो भी दी है। जे तो अच्छी खबर है। का भाव गोरैया, जे रो उदास मत कर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे की सोच, सरकार अपनी आई गई, भगवान चाही तो सुखनो भी छूट जाए। ई जंगल छोड़ और वही काम कर। भाइयों और बहनों, हमारी संस्था हरिजन कल्याण समिति आपको मजदूरी देकर आपसे काम कराने का फैसला किया है। हमें सुनने में आया है कि जंगल का ठेकेदार
आप लोगों को कम मजूरी देता है और रजिस्टर में ज्यादा पैसा चढ़ाता है और हाड़ मांस चूसकर आपसे काम करवाते हैं। हमारी संस्था काम के साथ साथ आप सबको अनाज और कपड़ा भी देगी। इतना ही नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी भी ताकि उनका भविष्य संवर सके। हाँ, जो बेचारी कढ़ाई सिलाई बुनाई नहीं जानती हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद कमाई कर सकें। तो भाई अब तय रहा कि अब जंगल में कोई काम करने नहीं जाएगा। अरे चुप्पे सुनो, हो हल्लो ना करो, चुपचाप नाम लिखा हुआ और अनाज और कपड़ा ले जाओ। इधर आओ, चलो चलते जाओ। लाइन में आओ भाई, आराम से लाइन में रहिए भैया। ये लो चाचा, चलो चाचा, चलिए आप आगे आइए। हाँ, ये लो, आइए भैया, आगे आइए, आइए माता जी, चलो, आजा बेटा, जल्दी आइए, चलो बेटा, आइए, जाओ बेटा, चलो बेटा आगे बढ़ो, आइए। कौन है ससुर? चलिए अभी आइए, जाओ बेटा, जाओ, चलिए बढ़ते रहिए। क्या नाम है? गौरैया। गौरैया, बड़ा प्यारा नाम है, लगती भी बिल्कुल चिड़िया जैसी हो। जी भुट्टो, हरामी लग रहो है। ए चुप, तुम औरतों को पता नहीं बकबक करने की कितनी खाज रहती है। बाप का नाम क्या है? भीखू। उम्र कितनी है? अब तो ना है। वैसे कुंवारी हो या शादीशुदा? साहेब, जितो लिखो की जरूरत पड़े उतो पूछो, जे इसे ज्यादा ना बता पाए। भोले भाले है ना? ठीक है रामलली, ठीक है। सब कान खोल के सुन लो, जो कोई एनजीओ वारन के झांसा में आया या उनके कैंप में गया तो समझ लो उसकी शामत आई गई। रामखोर, क्या कर रही? काम चोर साले। सब कुछ सत्यानाश हो गया। डंडा, जब कलता कोई काम छोड़ के गवा तो घर के भीतर घुस के टान तोड़ दिन सलोगी। अरे काली, लागत है हमार तबादला भी हुई वालों है। अरे डंडा, तो ये परेशानी तो तबादला की है, हमारी तो एनजीओ वाले ने फाड़ के रख दी, इतने मजदूर कम हो गए। अरे कारोबार की यही हालत रही तो चौथ पहुंचाए को इंतजाम कहां से हुई? अरे ऐसा ना है धनवा भाई जी, कोई ना कोई तरकीब जरूर सोचे होंगे। गौरैया नहीं दिख रही। अरे भाई जी को हुक्म रहे वहां को बंधुआई से छोड़े के खातिर, और वो भी बावली एनजीओ वाले के झांसर में आ गई। को पतो नहीं अबे ये शहर वाले कितने हरामी हो साले। आप लोग ऐसा करना, इन लोगों ने जो भी काम वाम किया है उसका हिसाब किताब ठीक से देख लेना, मैं जरा इनको सिखा के आता हूं। जी कल इन लोगों को जो पैकेट बांटे थे सब एक लाइन से लिख लेना, ठीक है ना? हाँ, लिखा हुआ है, वो हेड ऑफिस में बोलना ठीक है। ठीक है, कहा पतो ये सिलाई ठीक है कि ना है, तुम तनिक देखो ना। ठीक ही लागत है। वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जल्दी काम सीख जाओगी, बहुत होशियार हो, थोड़ा समझदारी से काम लो तो बस। देख, अच्छा इधर देख, ये जो सिलाई जो है, अरे इधर ला हाथ, इसको ऐसे पकड़ है। अब ये सिलाई ऐसे यहाँ से सीधी होनी चाहिए है, चला। अरे बुधिया, इधर आ, इसको पकड़, इसको देख, इसको अंदर ले जा, अंदर कैंप में उल्टी और कै की दवा है, इसको दे दे जा करके। नहीं सर, अब ही ठीक हो जाए। ज्यादा तू अपनी समझदारी मत दिखा हमको, समझी? बहुत डॉक्टरी दिखा रही है, चल इधर ले चल। जब एक से है माय खातिर उल्टी आ रही,
प्रेग्नेंट है, समझा। ए गौरिया, तुझे इस समय ताकत वाले दवाओं की जरूरत है, है? तू अंदर चल, तुझे हम ताकत वाला पाउडर देते हैं। अरे इधर उधर का देख रही है, चल 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 हमारे साथ। हाँ, बुधिया तू यहीं बैठ, चल आ जा। देख, तूने दवा पी ली है ना, अब तेरे बदन में ताकत आ जाएगी और तू चिंता मत कर। तुझे जो रुपयों पैसों की जरूरत हो मुझसे मांग लेना और एबॉर्शन करा दे। का? समझो ना साहिब। अरे सफाई, तू अपने पेट की सफाई करवा दे और ये बच्चा गिरवा दे, वरना तेरी बदनामी होगी। हम सफाई कहाँ करवाए साहिब, कहाँ करवाई तो सभी का मालूम पड़ जाए और खबर हमारे सुखनों तक पहुँच जाए। सुखना? ये कौन है? मोर मरद साहिब, जेल में बंद है। तेरी शादी हो गई है? बेबो गौनो ना है भयो साहिब। अच्छा ऐसा कर, तू शाम को कैंप में अकेले आ जाना और देख, मैं शहर से तेरे लिए पेट की सफाई वाली दवाई खुद ला दूंगा। ठीक, अब चल। ठीक है? दुखिया चाची, कछु परेशान लग रही हो? भीखू चाचा ठीक ना है का? वह तो ठीक है, पर गौरैया के बारे में सोच सोच हमारी हालत खराब हुई जा रही। का भवा को? वह पेट से राम लली, बहुत बदनामी वाली बात हुई रही। पेट से? हाँ राम लली। तू फिकर ना कर, हम सब मामलों संभाल ले हूँ। अब हम शहर जाए रहे, एक नेता से मिले सुखना की जमानत खातिर। लौट के आए बे तो कुछ करीबे। अरे तिवारी जी। हाँ गुप्ता, अब इस बुढ़ापे में क्या सोच रहे हैं? अरे सक्सेना तैयार ससुरी है, बड़ी टकाटक लवंडिया। लगे रहो तिवारी जी, लगे रहो। तिवारी कौन है माँ? बोलिए। जंगल के ठेकेदार काली प्रसाद जी तो का बुलायन है? कुछ काम है तो और काय खातिर बुलायन है? अभी काम खत्म कर ले, कह देना फिर आते हैं बस। जल्दी आ, समझे? तिवारी जी फट गई का? अरे नहीं भाई, काली तो हमारा रिश्तेदार है देहात का। प्रणाम पटेल साहब। तिवारी जी, यो तुम्हारा एनजीओ वाला तामझाम कब तक चली? अब आपसे क्या छुपाना पटेल साहब, आप तो ये सब एक नाटक समझिए बस। नाटक समझे ना? अब पटेल साहब बात क्या है कि अब सरकार से कुछ फंड लिया है तो कुछ दिन तक दिखाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना कि मजदूरों के लिए हमारी संस्था भी कुछ कर रही है। बाकी समाज सेवा को तो आप बस दिखावा ही समझिए। तो कब तक चलियो नाटक? एक बस 20-25 दिन।
जल्दी ही ऐसे खिसको बहन चौथ। वो कहा है कि हरिजनपुर की मजदूर मंडली तोरे तामझा में फंस गई है। आप परेशान ना हो पटेल साहब, हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकल लेंगे। किसको जल्दी से? अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहादुर चोद एनजीओ भरे। अबे सक्सेना कहाँ से मंगाई है यार? ससुरी अभी से टनाटन मार रही है। पहली दार की है तिवारी जी। बहुत बढ़िया। और सुनो सक्सेना और गुप्ता जी तुम भी, कल से रजिस्टर में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा कर लिखना और क्या कहते हैं उसको, अनाज और कपड़े गिनके 50 पैकेट बांटना सिर्फ, और रजिस्टर में 100 की एंट्री करना। जैसा आपका आदेश। ये बताइए गौरैया से क्या घपला चल रहा है? अरे समझो हाथ में आ गई सक्सेना। पता लगा है ससुरी बिना गौने के अम्मा बन गई। अच्छा। छोटी उम्र के लवंडिया के साथ सेक्स करे माँ, बड़ा मजा आवत है। सुनो तुम लोग निकल लो, अब हम भी जा रहे हैं गौरैया के पास। कपाई कर। यार गुप्ता बुड्ढा है बड़ा हरामी साला। हरामी नहीं, बड़ा छटा हुआ हरामी। आज तो गौरैया की सफाई करनी है। इस ससुरी आई नहीं, पता नहीं कहां मर गई। साहेब साहेब। अरे गौरैया आ आ। अरे तेरे साहब तो न जाने कब से तेरा दवाई लेकर इंतजार कर रहे हैं। तू यहाँ बैठ बैठ। नाय साहेब आप ऊंच जात हम नीच जात हैं। अरे तू भी किस सड़े गले जमाने की बात कर रही है गौरैया। आजकल तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लहर चल रही है, और हमारे जैसे समाज सेवक तुम्हारे जैसी नारियों की सेवा कर रहे हैं। ले ले ये ले, ये दवा खा ली। जो दवा तो ठंडी और मीठी लगो है साहिब। अरे जैसा मरीज। वैसा इलाज। तू अपना भला चाहती है ना? हाँ साहिब। तो फिर तू हमें अपना सेवक समझ। अपना तो धर्म है नारी उत्थानम परमम धर्मम। इससे क्या करते साहिब? अरे सेवा साहिब। इसकी चिंता तू काहे करती है? वो चिंता तू हमें करने दे, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे साथ तो अत्याचार की हद पार हो गई। अब क्या बतावे बहन जी? जो आपने पूछो वह बतायो। तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वो मुझ तक ही रहेगा। ये मेरा पता और फोन नंबर है, जब भी कोई जरूरत पड़े
या कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, काम आएंगे। अब मैं चलती हूँ। राजनीति का सपना तेरे की सरदार, जय भैंचोद सरकार सारे अधिकारियों से जवाब तलब कर रही है। लागत है कोनो गड़बड़ वक्त शुरू हुई वारो है। चुप भैंचोद। कोई गड़बड़ समय शुरू हुए वारो नहीं है। वह बकचोदी में माहिर है, वह नहीं जानत विपक्ष मां हमारी सरकार बैठी है। अंगद आओ, भैंचो भाई जी को फोन लगा। यहां किसी का किसी पे भरोसा ना है। लो सरदार। हेलो भाई जी, प्रणाम। हाँ दनुआ, बड़े दिन बाद याद किए। कोनो खास खबर, परेशानी? खबर तो सबे तुम जानत हो भाई जी कि नई मुख्यमंत्री काका कर रही है। हाँ भाई, भय मुक्त समाज का सपना देख रही है, पर तुम चिंता मत करो। हाँ भाई जी, अबे आप देख लो। घबराओ नहीं, कोनो ऐसा नहीं है जो तुम तक पहुंचेगा, सब पैर छुएंगे तुम्हारा। ठीक है भाई जी, जब हम दोनों साथे हैं कोनो फिक्र की बात ना है। अच्छा भाई जी, फोन रखता हूँ, प्रणाम। हे भगवान, जा मोड़ी पे रहम कर, वाको दर्द देखो नहीं जा रहे हो। जाने जो पाप कियो वो भुगते, भगवान है मां का करी। लागत बहुत जोर से दर्द हुई रहो, चलो जल्दी चलो। अरे मत मार, 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 मार। सरदार हमको मार डाले। अब सही बता, धनवा तेरा इंतजार वहीं कर रहा ना, ये भी खबर झूठी है? ऐसा भी बिल्कुल ठीक खबर है। बहन जो नेटवर्क भी साए साए बोल रहे हो है। अब हमारे दिमाग को नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। मत तो ठन कहता है, जब तक पैसा लेके नहीं आजाद तब तक हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। फिर क्या बहन चोद, पतो ना है कहाँ जाके मरो है। कोल्लू तो नहीं बता रहा है? बच्चन की कसम, बच्चन की कसम। धीरज राग बेटी, धीरज राग। और निकल, लगाओ धनुआ का फोन। सरदार फोन आएगा वहां। अरे कहाँ रह गो कन्हैया, कितो वक्त लगाई रो है। पैसा भाई मिला है, बस दो तीन घंटा में पहुंच रहे हैं। ठीक है तो निकल उनसे जल्दी आ। आराम चाहते, तूने अगर बैग की असलियत के बारे में किसी को कुछ बताया या फिर कोई चालाकी की तो तेरा और तेरे बच्चों का क्या होगा। पहले हमारा बीबी बच्चा। हसन, बैग देते ही तुरंत वहां से भाग जाना और बटन दबाना मत भूलना। फिकर नहीं कर चाची, दुनियादाई आ गई है। धनिया को हार जाके पेट पे लगो, वाको दर्द गायब और बच्चा बाहर।
सुन, भैंचोद ने हद कर दी। फोन उसका आवा कि पैसे लेके आई रहे। पेम में आते चोर कितनों घंटों बीत गए, अबे तक ना ही लौटो। बाबूजी पानी ले आओ। बेटा धीरे चल, हम अभी आए रहे हैं। सरदार कहीं वो आ गए हो? तोड़ मात्र चोर, भाग! पुलिस लागी थी, बच्चे बचाओ तो आए रहे, तीनों पकड़ो पैसा। सरदार बहुत देर से मुतासिर हैं, बस दो मिनट में मुझके आए रहे। आज ससुर भाई आग फड़क रही है। ले बाऊजी अपनी नतनी। गोरैया ने खूब खूबसूरत जनी है। शेफाली की क्या न्यूज है? हरिजनपुर गांव से शेफाली ने मुझे अपनी रिसर्च के नोट्स मेल किए। वो देखकर मुझे ऐसा साफ लगता है कि क्राइम अगर एक पॉइंट पर खत्म होता है तो दूसरे पॉइंट से उसकी शुरुआत हो जाती है। सर उस इलाके में धनुआ का अंत तो हो गया, लेकिन ठोकिया जैसे खतरनाक डाकू का आतंक बढ़ गया है। सर सुना है कि ठोकिया पहले एक बहुत ही शरीफ आदमी था, क्या कारण है कि वो इतना खतरनाक डाकू बन गया? अपमान और घृणा उसके मूल में है। खतरनाक उसे समाज ने ही बनाया। यानी अपमान और बेइज्जती के कारण ही पीड़ित इंसान कानून हाथ में ले लेता है। यस, ठोकिया इसका असली नाम अंबिका पटेल है। वो गांव का एक सीधा साधा झोला छाप डॉक्टर था जी। उसकी बहन गांव के डाकिया के लड़के के साथ प्यार करती थी। जब ठोकिया को पता चला तो वो पंचायत के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसके साथ अरे बड़े आए बहन चौथ अपनी बहनिया के बिहाव करे के खातिर। अरे औकात देख पह रहे अपन और फिर डाकिया बाबू के मोड़े के बारे में सोच। अरे जाए दो ओमनाथ भाई जाए दो, इनका का भरोसो अपनी बहनिया को समझाए बुझाए के हमारे मोड़े को फांस लाई कि बाप तो सरकारी नौकरी में है। अरे चुपचाप काय बैठा है कुत्ता, है कछु जवाब तोरे पास? चाचा पहले अपने मोड़े के पास जाके हकीकत तो पूछो, तब कछु बात की सोचो और गारी न दे।
झोला छाप डॉक्टर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत ना आई। अरे पहले जाके अपने बहनिया को काबू में कर, अरे उनका बहुत जवानी चढ़ी, और फिर डाकिया बाबू के मोड़े का ख्याल छोड़ दे। चल भाग बैंचोद इधर से। कहाँ गओ ओमनाथ पटेल मादर चोद? देख तोहरे खानदान वालन की कैसे लाज बिछावत है, देख। ना मरद से ना मरद आदमी भी अपनी बहु बेटियन के बारे में कछु गलत ना सुन सकत। अरे डाकू ऐसे नहीं बनत, बनावत जात है। हम कब से बेइज्जती मोजल रहे थे, ताए खातिर नफरत पैदा हो गई, पता है मादर चोद। मैं उस सताई हुई दलित लड़की गौरैया के बारे में सोच रहा हूं कि जब उस बेचारी को पता चला होगा कि उसका पति सुखना घर लौटने के बजाय बीहड़ में उतरकर डाकू बन गया है। और सुखना? सब ठीक है रागिया। और दीपक? सब ठीक है। चित्रकूट के सारे ठेकेदारों और व्यापारियों तले की फरमान पहुंचाई दे कि अब रागिया पटेल को चौथ पहुंचाई जाए, नहीं तो गोली खाए के तैयार रहे। अब धनुआ को राज ना है, रागिया पटेल को राज कायम हो चुको है। अब अपनी आंखें से सपनों को हटाई दे गोरैया, अब सुखनों कभू ना आई, और जिंदगी भी बिहड़ बंजर हो गई, चली गई, लूटी गई, शाम की तरह ढलती ही गई, रात की परछाइयों में तन्हा तन्हा अक्स जिंदगी का ढूंढते ढूंढते बंसर समी का टुकड़ा ही बन गई। टुकड़ा टुकड़ा कैसे बटा आसमां, पलकों पे कैसे आके रुका सी बूंदों में, बूंदों की आंखों में, आंखों से सपनों तक लगा था मेरा जहां, कैसे बटा आसमां, टुकड़ा टुकड़ा कैसे बटा आसमां। बुझ गया
को मारा गया। आँखों में चुभता है, सांसों में जलता है, पल पल बदलता है, मिलता नहीं है निशान। कैसे बटा आसमान टुकड़ा टुकड़ा, कैसे बटा आसमान। बता